हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सकैलट ग्रुप में। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला, यात्रियों को मिली बहुत ही बड़ी खुशखबरी। वरिष्ठ नारी, महिलाएं, फिजिकली हैंडीकैप और सभी पुरुषों को मिली है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी नई अपडेट और जो भी जानकारी है रेलवे की तरफ से निकल कर आ रही है, सभी का अपडेट आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, वीडियो में बढ़ने से पहले आगे वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेल जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट, जानकारी अपडेट, सभी तरह की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलते रहे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की ओर। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले दिनों आप सभी को बताया था कि दोस्तों बता दें, रेलवे जो है समय समय पर यात्रियों को सुविधा के लिए नई नई यहाँ पर सुविधाएँ लाते रहता है। इसी कड़ी में दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला रेलवे का गया था। इसमें दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से यहाँ पर पूछा था कि आप दोस्तों जो यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए दोस्तों क्या सुविधाएं कर रहे हैं। इस दोस्तों हलफनामे में रेलवे ने यहाँ पर बताया था कि हम दोस्तों दिल्ली जो यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पर बैटरी वाली कार जो है मुफ्त सुविधा यहाँ पर मुहैया कराने के लिए जो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि दोस्तों ISCT और भी दोस्तों कई सारे कंपनियों का नाम था, पिछले दिनों हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था। इसी कड़ी में दोस्तों रेलवे जो है यात्रियों को एक और नई सुविधा यहाँ पर देने जा रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी देखेंगे, त्योहारी सीजन में काफ़ी यहाँ पर दोस्तों भीड़ रहती है। और दोस्तों बता दें, स्लीपर में अगर आपका टिकट है या दोस्तों आपका रिजर्व कैटेगरी में टिकट है AC में, फिर भी दोस्तों आप अपने कोच तक नहीं पहुँच पाते हैं, या तो पहुँच भी जाते हैं तो देखेंगे तो वहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट का आदमी या दोस्तों कोई अन्य आदमी आपके सीट पर बैठा हुआ है। अगर आप दोस्तों बोलेंगे कि आप अपनी सीट से हटिए, तो वो दोस्तों जिद करते हैं और आपसे लड़ने लगते हैं। दोस्तों इस परिस्थिति में आपको दोस्तों क्या करना है, कि आपको लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस परिस्थिति में तो सब तीन ऑप्शन आप सभी को मिलेंगे। इसमें दोस्तों 139 रेलवे का है हेल्पलाइन, इस पर आप दोस्तों अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी मदद के लिए यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों होगा क्या कि इसको और भी सक्रिय कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो RPF स्टाफ है वो आपके आकर मदद करेंगे। या तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि TT के पास जाना है, TT से कॉन्टेक्ट करना है। अगर दोस्तों ये दोनों कैटेगरी में आपका कोई भी नहीं होता, तो रेल मदद ऐप से आपको यहाँ पर अपनी मदद मांगनी है। दोस्तों उसको भी नहीं होता है तो आप तो सीधे रेलवे को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे सकते हैं। रेलवे जो है आपको जल्द से जल्द आपको यहाँ पे मदद यहाँ पर करेगा, मुहैया कराएगा। RPF स्टाफ के साथ आपको भेज दिया जाएगा, ताकि दोस्तों आपकी मदद यहाँ पर हो सके और आपको यहाँ पर सीट मिल सके। अब ऐसे में दोस्तों रेलवे की ये सारी सुविधाएँ आपको पता थी कि नहीं, नीचे कमेंट जरूर बताएं। और दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर नई सुविधाएँ यहाँ पर ये आने वाली है। दोस्तों बता दें, फिलहाल अपडेट तो यही है कि दिल्ली स्टेशन पर आपको ये मुफ्त सुविधा बैटरी कार यहाँ पर मिलने वाली, जिसमें जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर गंतव्य जहाँ पर स्टेशन है, स्टेशन परिसर में आपको यहाँ पर जाने के लिए मुफ्त सुविधा बैटरी कार की रेलवे जो है लाने जा रहा है। अभी दोस्तों प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर खोज रहा है जो कि सुविधा मुहैया करा सके। बाकी तो इस तरह नई अपडेट जानकारी आप सबको चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों यार रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।